मध्यकालीन भारत की वैद्यशालाओं का जब भी जिक्र होगा तो उसमें दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास बनी जंतर मंतर का नाम सबसे खास होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ आपका होस्ट और इस कहानी का सूत्रधार गौरव, जो आज आपको जंतर मंतर से रूबरू कराऊंगा। तो जंतर मंतर आने के लिए मैंने दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली मेट्रो लाइन को चुना और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो से मैंने विदाई ली। इसके बाद पालिका बाजार एग्जिट, जो कि गेट नंबर 6 पर है, से बाहर निकलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पर महज चंद कदमों की दूरी पर ही जंतर मंतर है और इसको देखने के लिए आपको महज 25 रुपये खर्च करने होंगे। तो जंतर मंतर का निर्माण 1724 में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने किया, जो खुद भी एक मशहूर खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और इस विषय में रुचि होने के कारण उन्होंने दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर में वैद्यशालाओं का निर्माण कराया। और इस तरह की वैद्यशालाओं का निर्माण का उद्देश्य एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स को कंपाइल करना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को प्रिडिक्ट करना, तारों और ग्रहों की सही स्थिति के बारे में जानना था। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। तो आज हम जंतर मंतर को एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ये जो जंतर मंतर है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और जंतर मंतर के अंदर 4 यंत्र हैं, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और मिश्र यंत्र। और ऐसा माना जाता है कि जो मिश्र यंत्र है वो राजा सवाई जय सिंह के पुत्र राजा माधो सिंह ने बनाया था। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मिश्र यंत्र। तो चलिए। सो दोस्तों, मेरे सामने जो अभी आप ये यंत्र देख रहे हैं ये है मिश्र यंत्र, जो कि आकाश में जो सूर्य चंद्रमा ग्रह नाइट मेजरमेंट टूल है। तो सोचे किस तरह से वो करते होंगे, मुझे तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे ये थोड़ी सी टिपिकल सी लैंग्वेज दी हुई है, तो भाई साइंस की अच्छी खासी नॉलेज होगी तभी उन्होंने इस तरह का यंत्र बनाया। तो चलो, अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे यंत्र की ओर। जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का सम्राट यंत्र, उसे आप कह सकते हैं ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सनडायल है। और इसकी मदद से जो पुराने लोग होते थे वो उस समय पे किसी भी जगह का जो है एग्जैक्ट टाइम, मतलब एकदम एक्यूरेट टाइम विद इन 2 सेकंड्स में वो जान लेते थे। और इससे पुराने जो लोग थे उस समय के, जो सूर्य का होता है ना झुकाव किस तरफ है, तो उसकी भी जो है सही जानकारी उसको इसी यंत्र के द्वारा मिलती थी। तो अभी टोटल यहाँ पे 4 यंत्र हैं। तो अभी हमने आपको 2 यंत्र के बारे में बताया, तो बाकी बचा राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र, तो वो आगे की तरफ है। तो चलो एक बार आगे की तरफ भी देख। तो दोस्तों, ये है जयप्रकाश यंत्र, इस साइड भी है और इस साइड भी है। और ये जो मोस्टली यूज़ किया जाता था उस समय पे, जो सूर्य और चंद्रमा उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए पुराने समय में इसको यूज़ किया जाता था। तो इस तरह की कुछ साइंस थी हमारे पहले, तो ठीक से दिख नहीं पाएगा क्योंकि इसमें यहाँ पे इन्होंने एंट्री बैरिकेड लगा रखा, तो हम नहीं जा सकते अंदर। तो इसके बाद हम चलते हैं अब राम यंत्र की ओर। तो दोस्तों, मेरे सामने जो आप ये यंत्र देख रहे हैं ये है यहाँ का राम यंत्र, जिसका उपयोग किया जाता था सूर्य और चंद्रमा की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में जानने के लिए। और इसके अंदर क्या, मैं थोड़ा सा आपको अगर दिखाऊं तो मैं थोड़ा सा अगर देख पा रहा हूँ तो थोड़ी सी चीज़ें धुंधली हो गई हैं। पहले इस पर थोड़े से निशान वगैरह भी थे, जिससे जो है सूर्य और चंद्रमा के एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में यहाँ से हम मतलब उसका अध्ययन किया करते थे पुराने ज़माने में। दोस्तों, अगर बात की जाए आज के मॉडर्न युग में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हैं इनका क्या यूज़ है, तो आजकल इनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हमारी जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस हो चुकी है। लेकिन फिर भी ये हमारे साइंटिफिक अचीवमेंट है, उसका एक सिंबल है। और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, इसको देखने आते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसर्च करने के लिए भी आते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये काफ़ी मतलब जानने के लिए आते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा। और अगर हम भारत से प्यार करने के कुछ रीजंस ढूंढें तो उनमें से ये भी है कि हमारी जो उस समय की जो साइंटिफिक अचीवमेंट थी वो काफ़ी डेवलप थी और उस समय में भी हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट थे। जब वर्ल्ड सोच रहा था कि किस तरह से होगा, भारत ने तब भी करके दिखा दिया।
तो गाइस व्लॉग में आप यहाँ तक पहुँच गया तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको जंतर मंतर का व्लॉग कैसा लगा। सो दिस इज़ गौरव साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।